वहीं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में रतूरी अस्पताल में इलाज के दौरान रीना मलिक नाम की एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 10 दिन पहले रीना मलिक का इसी निजी अस्पताल में डिलीवरी का सर्जेरियन ऑपरेशन हुआ था और वो पेट के टांके कटवाने अस्पताल गई थी। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उसे ICU में भर्ती किया गया और थोड़ी देर में ही रीना ने दम तोड़ दिया। वहीं इस बात से गुस्साए परिजनों ने अब महिला डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल पर महिला की मौत की वजह बताई जा रही है, लापरवाही का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग परिजनों के द्वारा की गई है। किसी निजी अस्पताल में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर पुलिस गई थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पंचनामा पोस्टमार्टम में कार्रवाई की है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। जो विशेष जांच में ही पता चल पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि क्या वास्तविकता है, जांच जारी है। मेरे लड़के को ऑपरेशन करने के लिए लिया है, उसके बच्चे था पेड़ में। डॉक्टर साहब बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमने ऑपरेशन कर बोला ठीक है। इतने पैसे में बात हुआ, 23,000 में बात हुआ, 23,000 में हम दिया डॉक्टर साहब को। फिर डॉक्टर साहब बोला कि खून का कमी है। अब हमने बोला कितना खून दिया, उनने बोला 3 बोतल दिए, 3 बोतल खून दिया। फिर मेरे लड़के ऑपरेशन हुआ, अच्छा खासा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब 10 दिन यहाँ भर्ती रखा, फिर उन्होंने छुट्टी दिया, तो हम घर लेके गए लड़की को। फिर उन्होंने बुलाया कि 22 तारीख को लड़की को लेकर कहा ना टाका काटना है, टाका काट दिया लड़की को। टाका काटने हमारे लड़के को ख़त्म कर दिया। डॉक्टर साहब का लापरवाही है।